तो भाई ये है हमारे पास हमारी बाइक ड्यूक जी जी Hey, good morning to all and welcome back to my another video. तो आज के वीडियो हम करते हैं शुरू। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आज कहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल ये कि मैं अभी वैसे अनमोल का जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे मोस्टली आपने देखा होगा मेरे साथ हमेशा अनमोल ही रहता है। तो फिलहाल तो मैंने उसको कॉल कर दिया है। तो ये जैसे कि है, मैं आपको बता दूँ कल मेरा बर्थडे है, तो आज थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि यार बाइक चेंज करने की, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ आज रुद्रपुर, क्योंकि KTM शोरूम काशीपुर में है नहीं, तो सीधा वो रुद्रपुर में ही है। तो फिलहाल अभी हम रुद्रपुर निकलने वाले हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है अभी क्या बोलते हैं अप्रॉक्स बज रहा है 12:30, और मतलब सडनली मेरा मूड बना गया कि मैं चलते हैं वहाँ पे, और इस बहाने एक राइड भी हो जाएगी और फिर मतलब बातचीत हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी तो मुझे चेंज करनी है। अब कौन सी करते हैं कौन सी नहीं, ये चीज़ डिपेंड करता है। फिलहाल ये कि गाड़ी कौन सी अच्छी है, क्योंकि मेरे को तो मतलब थोड़ा सा ये है कि मैंने जितने से पूछा यार वो ये कह रहे देख ले एक बार तो क्या पसंद आती है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। बाकी मैंने मतलब उसका सब कुछ क्या बोलते गूगल पे देख लिया था, तो बाकी एक बार जाके लाइव देख के आएंगे शोरूम में, क्योंकि शायद वहाँ पे मतलब मेरी बात हो गई है, तो शोरूम में वहाँ पर खड़ी है रुद्रपुर में, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं आप सर आ जाइएगा। तो अभी वहाँ पे जाके देखते हैं कितने की और कितने की नहीं, ये सब चीज़ें मैं बता दूंगा। फिलहाल क्या स्पीड होगी भाई वो सब कुछ मैं रिवील कर दूंगा। तो फिलहाल ये कि मैं फटाफट रेडी जाता हूँ नहा धो के, क्योंकि मैंने अनमोल को फ़ोन कर दिया, क्योंकि वो टाइम थोड़ा पक्का आप जानते ही हो, वरना वो गुस्सा आता है। तो इसलिए फिलहाल मैं रेडी शेडी होके मैं निकलता हूँ, फिर सीधा आपको दिखाते हूँ सीधा वहीं पर जाते हुए। पहले करवाते हैं हम पेट्रोल, और आपको भी मैं एक चीज़ बता दूं कि जब पेट्रोल भरवाओ तो आप प्लीज़ जीरो जरूर देखें, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, या पूरा निर्देश लिखे हुए रहते हैं ऑलरेडी। तो फिलहाल ये कि हम यहाँ पे बस ये पेट्रोल हमारा कंप्लीट हो चुका है, पेट्रोल भरवा लिया है और इनको बस पेमेंट कर दी है। तो बस ये कि बस अब जो है फिलहाल ये डील है कि भैया अब जो ड्राइव करेगा वो अनमोल करेगा, काशीपुर से लेके वहाँ तक की जो पूरी ड्राइव करेगा वो अनमोल करेगा, ये हमारी डील हुई। तो फाइनली क्या बोलते हैं हम लोग रुद्रपुर पहुंच चुके हैं, और क्या बोलते हैं अब यहाँ से हमने जैसे गूगल मैप पे देखा तो ये है किच्छा रोड पे KTM शोरूम, जो वहाँ पे पड़ोस में शनि मंदिर है, तो वहाँ पे हमें जाना। तो थोड़ा सा कि ये है कि रुद्रपुर हमने देखा तो है नहीं, फिलहाल एक गूगल मैप को हम फॉलो करते हुए निकलेंगे आगे, और सीधा हम यह बोलते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। तो फिलहाल ये देख सकते हैं कि आप भाई हमें पहुँचते काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि आज हम थोड़ा सा एक तो भगाई भी गाड़ी कम है हमने, और हल्के से आए हैं आराम से, और कोई रफ्तार की बात नहीं है, तो इसलिए हम रुद्रपुर फाइनली हमारे एंट्री हो चुके हैं फ्लाई ओवर से उतर के। तो फिलहाल ये कि आप सीधे चलते हैं सीधा शोरूम पे। आ जा। Not the same as they were a year ago.
but I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back. किसी से अंत्या कर रहा है निकालना तो पागल है ये लोग खड़े भाई हम पागल होना है अबे इनका तो पता है हैं अरे नहीं यार नियम फॉलो कर ले हम भी खड़े सकते हैं क्यों गलत कह रहा हूँ भाई अनमोल बोल रहा है कि निकाल दो और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अभी सेकंड्स चल रहे हैं ट्रैफिक लाइट में तो भाई यहाँ पे सब कुछ स्टॉप मतलब जिधर की साइड हम बैठे हैं उधर से तो हम जाना मना है तो फिलहाल ये कि हम लोग बस वेट कर रहे हैं कब क्या बोल रहा है ग्रीन सिग्नल हो क्योंकि अभी तो रेड सिग्नल चल रहा है हमारा तो ये कि अभी हम जा नहीं सकते बट मुझे सबसे मस्त लगा मतलब सीन में काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ मतलब मेरे को अप्रॉक्स हो गए होंगे 4-5 साल हो गए होंगे जो रुद्रपुर आए हुए बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा वैसे काजीपुर में तो ये है लाइट का लेकिन अभी तक चालू नहीं है क्योंकि कहा तो था कि 2018-19 से चालू हो जाएंगे भाई अभी तक तो आया नहीं फिलहाल ज़्यादा नहीं बोलूँगा काशीपुर के बारे में पर काशीपुर के लोग फिर कमेंट करेंगे और कुछ यू नो कौन लोग कमेंट करेंगे आप जानते हो तो बाकी फिलहाल ये कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा रुद्रपुर का सीन भाई ट्रैफिक नियम हालांकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मतलब रश बहुत ज़्यादा है भाई अब फिलहाल ये कि सब कुछ बात हो गई है उससे भाई से क्या बोलते हैं जो शोरूम में बैठा हुआ था सब कुछ पूरा अपडेट उन्होंने दे दिया है कि कितने की हमें पड़ेगी और भाई सबसे हंसी की बात पता क्या है भाई 352,419 भाई 419 भाई ये कौन से नियम है KTM वालों भाई क्या रूल रखा है राउंड फिगर अमाउंट को 419 का पंगा किया भाई ने बोला भाई 419 देने पड़ेंगे चाहे 352 नहीं दो लेकिन 419 भाई ये समझ में नहीं आया लेकिन फिलहाल जो भी है भाई काफ़ी अच्छा था मतलब जो वहाँ पे शोरूम पे थे भाई बहुत अच्छे थे बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब एक एक डीपली नॉलेज दी और बाकी दूसरा कि उन्होंने पूरा चला के दिखाया कि फिलहाल ये बोल रहे थे कि अभी पूरा मतलब ये सब रिजर्व्ड है गाड़ी फिलहाल हमें मिल सकती है हमें पहले अपडेट करना पड़ेगा उन्हें तब हमें मिलेगी और सबसे बड़ी जो हमें मतलब हमारे बेनिफिट के लिए है वो ये है कि काशीपुर में हमें गाड़ी ईजिली मिल सकती है मतलब जरूरी नहीं कि हमें रुद्रपुर आना पड़ेगा बस ये कि वो तो रुद्रपुर उन्होंने इसलिए बुलाते हैं क्योंकि काशीपुर में ऐसा कोई मतलब इतना बड़ा शोरूम नहीं है जो कि वहाँ पे स्टॉक में गाड़ी खड़ी हो बस एक छोटा सा सर्विस सेंटर टाइप का है तो ये कि बस हमें वहाँ पे गाड़ी हमें मिल जाएगी हमें रुद्रपुर जाना नहीं पड़ेगा तो ये कि भाई ये भी हमारा टाइम बच गया वरना रुद्रपुर जाओ दूर जाओ तो ये चीज़ है फिलहाल ये कि अब चलते हैं वापसी घर और घर से भी काफ़ी कॉलें आ रही तो भाई हम बिना बताए आए थे तो फिलहाल एक घर पे आगे भी डांट खानी है तो फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना और ज़्यादातर कमेंट करना।